अरुणिता कांजीलाल न सिर्फ ये अपनी सिंगिंग अपने हुनर के दम पर अपने क्षेत्र का यानी कि बंगाल का नाम रोशन कर रही हैं, बल्कि ये पूरे भारत के दिल में अपनी जगह बना चुकी हैं। तभी तो अरुणिता को पिछले हफ्ते पूरे भारत से इतने बम्पर वोट्स मिले, इतना सपोर्ट मिला कि वो आइडल की नंबर वन कंटेस्टेंट बन चुकी है। जी हाँ, पवनदीप राजन को हराकर जो कंटेस्टेंट नंबर वन पर आया है उसमें सबसे ज्यादा बार अरुणिता कांजीलाल ही है। और ऐसा कहा भी जा रहा है कि अगर इस बार कोई फीमेल कंटेस्टेंट विनर बनती है तो उस रेस में सबसे आगे हैं अरुणिता कांजीलाल। अरुणिता की गायकी का जादू कुछ ऐसा चला है कि हिमेश जी उनकी गायकी के दीवाने हो चुके हैं और इसीलिए अब तक उनके साथ कुल 2 गाने ला चुके हैं और हिमेश जी का ये वादा है कि मैं आपके साथ आगे भी काम करता रहूँगा। बात करें अगर अरुणिता की प्रसिद्धि की तो आज वो ख्याति के उस स्तर पर पहुँच चुकी है जहाँ हर कोई उनको जानता है, हर कोई उनके साथ काम करना चाहता है। तभी तो लेटेस्ट एपिसोड में बॉलीवुड के लेजेंड म्यूजिक कंपोजर, इसको किंग के नाम से जाने जाने वाले बप्पी धाबी उनके साथ एक सिंगिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं और इसके बाद से अब न सिर्फ उनकी प्रोफेशनल लाइफ बल्कि पर्सनल लाइफ भी चर्चाओं में रहती है। और ये तस्वीर अरुणिता की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर वायरल होने लगी। लोग जानना चाहते हैं कि अरुणिता के साथ ये शख्स कौन है, तो हम आपको बता दें कि ये हैं अरुणिता के भाई। इनका नाम है अनिश कांजीलाल। जी हाँ, और ये है इन दोनों की बचपन की तस्वीर जिसे अभी कुछ दिनों पहले ही उनके भाई ने शेयर करते हुए लिखा कि अब ये बड़ी हो गई है और ये अब पूरे भारत का बहुत प्यार पा रही है और मुझे इस पे बहुत ज़्यादा गर्व है। कीप रॉकिंग। इस तरह अरुणिता के भाई अनिश कांजीलाल ने ये पोस्ट शेयर करते हुए अपनी बहन के लिए अपना प्यार बताया था। तो दोस्तों, आप अरुणिता कांजीलाल को सपोर्ट करने वाले हैं क्या? आप उनके हाथ में आइडल 12 की ट्रॉफी देखना चाहते हैं? अगर हाँ तो आपकी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। धन्यवाद।